अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहार बकरीद को लेकर लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुज्जर ने एक बेहद ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कोरोना को देखते हुए कुर्बानी ना दें, कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की दें। अगर कोई कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की बलि दें। निरीह जीवों को मार कर बलि देकर कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उनको बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। उन्होंने कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। कुल मिलाकर कहें तो विधायक नंद किशोर गुज्जर ने बकरे की कुर्बानी पर आपत्ति तो जताई है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाया है। हालांकि इस विवादित बयान के बीच लोनी से ही भाजपा के पूर्व चेयरमैन और एक कद्दावर नेता मनोज धामा ने इस पर अपनी राय बताई है। बता दें कि मनोज धामा और नंद किशोर भले ही दोनों भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कहा है मनोज धामा ने। देखिए, मैंने अभी चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है मुझे, तो उनका तो काम ही विवादों में रहने का है जी। इसका काम विवादों में रहने का है तो विवाद ही पैदा करेगा, विकास की बात तो वो करते नहीं है। हमेशा कहीं ना कहीं देख लीजिए, हमारी माननीय योगी जी की लोकप्रिय सरकार को जिस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा कर दिया हो, जो पत्रकारों को धमकाने का और जान से मारने की धमकी देता है, जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी को पीटने का जिस पर आरोप लगा, या अनाप शनाप हमारे पर, हमारी धर्मपत्नी पर तमाम फर्जी मुकदमे लिखवाने का काम किया, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को डराने और धमकाने और दहशत में लेने का काम करता है, और जो बयान आया है वो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति से इसी तरह के बयानों की अपेक्षा रखता हूँ कि वो जितनी मानसिकता जिस व्यक्ति की होती है वो उतना ही सोचता है, और हमारी पॉलिसी, हमारी नीति, हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली बात है। माननीय योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसमें सीधा और स्पष्ट संकेत है कि सामूहिक नवाज ना पड़ी जाए कोरोना को लेकर, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरह की वैश्विक महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली है, तो भारत भी उससे कहीं भी अछूता नहीं रहा, और उसी को लेके ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जितने भी इस तरह के त्यौहार हो, चाहे वो राष्ट्रीय त्यौहार हो, चाहे वो धार्मिक त्यौहार हो, चाहे कोई आयोजन हो, चाहे कोई शादी विवाह, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार ने गाइडलाइन तय की है। उसमें सामूहिक नमाज ना पढ़े, अपने घरों में पढ़े। इससे पहले भी ईद हुई थी, जब भी लोगों ने इसका पालन किया। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कहीं भी कुर्बानी की बात है तो खुले में ना करें। अब खुले में ना करना बिल्कुल स्पष्ट संकेत है और वो चीज़ें ठीक भी है, लेकिन जिस तरह का बयानबाजी हुई है ये बहुत निंदनीय है, और इस पर मुझे तो ये है कि ऐसे विधायक को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को और संगठन के लोगों को पूरा संज्ञान है। समय आने पर आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि समय आने दीजिए, तमाम चीज़ें जो आप कहना चाह रहे हैं या मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं वो आपको खुद आने वाले समय में, आपको समय अपने आप बता देगा कि उनके साथ में क्या होने वाला है। चलिए सर, और एक बात और है कि जैसे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं, चाहे वो कंट्रोवर्शियल मामले रहे या कोई भी एक विवाद रहा हो लोनी के अंदर, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपको लगता नहीं कि विकास कहीं दब के रह गया है? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, हम लोग जब चुनाव जीत के आए थे और सरकार बनी थी, नगर पालिका का चुनाव भी जीता, उसके बाद में उससे पहले सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, बहुत काम हुए, काम अब भी नगर पालिका की तरफ से, क्योंकि मैं वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष का पति होने के नाते भी ये कह रहा हूँ कि नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से कहीं भी नहीं बचे। चाहे कोरोना के जो सब लोग अपने घरों में लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, तो हमारे हजारों सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर हर पूरे शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को पूरा दुरुस्त करने का काम किया। हम लोगों ने
लॉकडाउन के अंदर अपने माध्यम से जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे उनको भोजन पहुंचाने का काम किया, अपने यहाँ भोजन बनवाने का काम किया। लेकिन जो अपेक्षाएँ लोगों को है थी कि भाई एकदम विकास बहुत चरम पे हो जाए। देखिए विकास को होने में टाइम लगता है, विकास का काम होने में टाइम लगता है। अब मुझे तो ये लगता है कि जितना का हम लोगों ने काम करा दिया शायद आज तक 50 साल में लोनी में ना हुआ। अपवाद रहे हम तो पूर्व चेयरमैन रहे, हम तो उस टाइम पे हमने नगर पालिका को चलाया कि जब हमारी सरकार नहीं थी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे। तो हम लोगों ने करके दिखाया ना, काम करने की मादा भी होना चाहिए, आदमी का एक विजन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, बहुत काम हुए, बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं। नगर पालिका के जो अंतर्गत जो काम थे वो काफ़ी हुए, हम मानते हैं आपकी बात से सहमत हैं। काफ़ी इंटरलॉकिंग के रास्ते बने, नाली बने, अभी भी चल रहे हैं लॉकडाउन के ऐसी विपरीत स्थिति में भी चल रहे हैं काम। लेकिन सर कुछ लोगों ने, आप ही की पार्टी के लोगों ने पैरिस बनाने की बात कही थी, लेकिन पैरिस की जगह यहाँ पर अभी नाव चली हैं कुछ दिन पहले, पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा लोगों ने। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताई ना आपको कि जो चीज़ नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आती, और इसकी भी बात है, दिल्ली सहारनपुर रोड को लेकर पहले भी मैं एक डिबेट में बैठा था और मैंने वहाँ भी स्पष्ट यही कहा था कि इसका टेंडर हो चुका है और जैसे ही बरसात ख़त्म होगी तो इस पर निर्माण तुरंत शुरू हो जाएगा। और रही बात नाव चलाने वालों की, देखिए नाव चलाने वाले नाव चलाएं, जिनको जो काम करना है। कुछ लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि मीडिया सामने आ गई तो हम कुछ नया करने का प्रयास करें। और आप एक सवाल और था आपका कि लोनियों को लंदन और पेरिस बनाने की बात थी, भाई मैंने नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि मेरी लड़ाई, जब मैं चुनाव जीत के आया था तो यही कहा था मैंने चुनाव के बीच में भी कि हमारी लड़ाई है 25 वर्ष बनाम 5 साल। 25 साल में वो काम नहीं हुए होंगे जो हम 5 साल में करके दिखाएं। हमने खराब ही और अब भी कर रहे हैं, हम दावा करते हैं नगर पालिका और हमारे माननीय सांसद जी इस पूरे क्षेत्र को लेकर गंभीर हैं। और मैंने ये कहा है कि हम लोग लोनी को लंदन तो नहीं बना सकते, पेरिस तो नहीं बना सकते, लेकिन लोनी को रहने लायक जरूर बनाए। बिल्कुल, देखिए बहुत वास्तविक बात कही है चेयरमैन साहब ने, और इसी वास्तविक का तमाम वादों पर, इरादों पर कहीं ना कहीं कार्य भी हो रहे हैं जो हमने लगातार आपको दिखाए भी हैं इससे पहले कुछ सीरीज के अंदर। और देखिए जहाँ तक लोनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा जी की बात है, वास्तविकता के ऊपर ज़्यादा गंभीर रहते हैं। और हर पार्टी के अंदर जिस तरह हम कहें अगर सीधे शब्दों में कि हाथ में उंगलियों में बराबर नहीं होती, एक तरफ तो हमारे लोनी के अंदर सर आज बकरीद को लेके एक मुस्लिम समुदाय बिल्कुल डर में है, दहशत में है। अभी आपसे एक बहुत अहम मैं बात करना चाहूँगा, किसके आदेश पे सर पिछले कई वर्षों से, अगर हम कहें तो हमारे वर्षों की गिनती नहीं है, लोनी के अंदर जब से लोनी बसा है तब से बकरों की एक मंडी लगा करती थी, बाज़ार लगा करता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल ही आपने व्हाट्सएप पे और उस पे वीडियो पे देखा होगा, शायद आपसे मिस हो गया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गाज़ियाबाद रोड पर बर्बरता के साथ लाठी चार्ज हुई है, पीटा गया है, और इतना बुरा कि एक के बकरे दूसरे ले गए, दूसरे के बकरे तीसरे ले गए। सर लॉकडाउन में किस तरह कौन क्या हालात रहे होंगे, सर किसके आदेश पर सर ये सारा काम हो रहा है? ये चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों का गाइडलाइन नहीं है, हम उससे अलग हट के कोई काम करें तो वो उसका अवेल ना मानी जाएगी जी। कहीं कोई मंडी या बाज़ार लगाने की अनुमति सरकार ने नहीं दी। मेरे सामने भी बाज़ार लगता था, पिछले 4-5 महीने से कोई बाज़ार नहीं लग रहा। तो अगर मान लीजिए हम सरकार के नियमों का के विपरीत कोई काम करते हैं तो वो उसको सख्ती से उसको हटाने का भी काम किया जाएगा जी। अब ये जो आप बता रहे हो घटना मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। और लोनी में आप बता रहे थे कि यहाँ बाज़ार लगते थे, भाई बाज़ार तो हर चीज़ के लगते थे, यहाँ किस चीज़ के, सब्ज़ी मंडी के भी लगती थी। मुझे लग रहा कि सैकड़ों बाज़ार रोज़ लगते हैं लोनी में, मंगल को भी लगता है, बुध को भी लगता है, बृहस्पति को भी लगता है। और तो और मैंने ये भी देखा है कि लोनी से और जो आपका गाज़ियाबाद रोड जा रहा है जी जी। उसके तो ऊपर भी बाज़ार लगता है सर, लेकिन ये लगता नहीं है, लगता था। सर लेकिन ये बाज़ार सिर्फ स्पेशली ईद के मौके पर ही लग रहा था, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था, जो कि हमने सीसी कैमरे फुटेज निकलवाए लोगों ने, जो मेरी जानकारी में नहीं है भैया। चलिए ठीक है, हम एक और अहम सवाल हम जी जी चेयरमैन साहब एक और आखिरी एक अहम सवाल और है। तो सर ऐसे में जो पार्टी की गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, वो सर क्या है इस त्यौहार को लेकर, थोड़ा सा प्लीज़ अपने माध्यम से क्लियर करें भाई। ये देश सबका है जी,
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, फारसी हो, ये सब का है। और देश की एकता की, अखंडता की, भाईचारे की, प्रेम की, सौहार्द की जो लोग बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उन लोगों के साथ है। जो देश तोड़ने की बात करते हैं भाजपा उनके साथ नहीं है, और वो देश जो तोड़ने की बात करते हैं वो भारत के हितैषी भी नहीं हो सकते, इस हिंदुस्तान के हितैषी नहीं है। और गाइडलाइन सीधी सीधी है, त्यौहार हो, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि लॉकडाउन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाए जिससे कि हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। बड़ी मुश्किल से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है और एक उत्साह की निगाह से देख रहा है कि जिस तरह से हम लोग कोरोना की इस लड़ाई को धीरे 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 जीतने की तरफ लग रहे हैं, कोई भी ऐसा काम ना हो जाए कि कोई विस्फोट ना हो जाए। मान लीजिए अगर सामूहिक कोई आयोजन होगा तो सामूहिक आयोजन में अगर एक भी पॉजिटिव केस मिलता है, एक भी पॉजिटिव व्यक्ति रहता है, तो वो सैकड़ों को ये संक्रमित करने का काम करेगा। तो गाइडलाइन सीधी है कि कहीं भी किसी भी तरह का खुले में सामूहिक नवाज ना हो, अपने घरों में पड़े। भाई थोड़े दिन की बात है, जब माहौल अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, सारी चीज़ें व्यवस्था, गाड़ी पटरी पे चलने लगेगी, तो फिर वही धीरे धीरे ज़िंदगी लौटने लगेगी। एक ये ना हो, और दूसरा जो है कि खुले में कहीं भी, क्योंकि मैं अभी SDM लोनी का बयान देख रहा था सुबह अखबार में, तो उन्होंने खुद कहा है कि भाई जो अवशेष होंगे कुर्बानी के, जो अवशेष होंगे उन्हें गड्ढे में दबाया जाए। तो इसका मतलब उन्होंने कहीं कहा तो नहीं है कि नहीं कहीं कुर्बानी नहीं होगी? अगर उन्होंने वो ये कह दे तो वो फिर ये बयान को दे दे कि भाई अवशेषों को गड्ढे में दबाया जाए, और वो सारे चीज़ें, इसका मतलब वो अधिकारी हैं, SDM हैं, तो उनको सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिली होगी, तभी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं, और एक जनप्रतिनिधि उसके विपरीत बयान दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में यानी कि सरकार का एजेंडा और सरकार का विजन बिल्कुल क्लियर है, और एक व्यक्ति का एजेंडा और विजन बिल्कुल विपरीत है, अपना व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत कोई बयानबाजी कर रहा है तो उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, हमने यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद इनका समय देने। सर, कोई आखिरी संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों के लिए? मेरे सब मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, प्यार से भाईचारे के साथ में शांति बना के इस त्यौहार को मनाएं, और हंसी खुशी के साथ में अपने परिवार के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में और मित्रों के साथ में, और ये अपना त्यौहार को मनाएंगे। बस मुझे यही कहना है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।